इंडिया में सबसे पहले एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत करीमुल हक ने की थी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वेस्ट बंगाल में उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी 1998 में। उस वक्त उन्होंने करीब 5,000 लोगों को फ्री में हॉस्पिटल तक पहुंचाया था या फिर PHC तक पहुंचाया था। उनके इस जबरदस्त काम को देखते हुए 2017 में उनको पद्मश्री से नवाजा गया था। उसके बाद अलग अलग राज्यों में भी सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लेकर के दो तरह की बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत अलग अलग राज्यों में की गई थी। एक बाइक एम्बुलेंस जो रिस्पोंडर के तौर पर काम करती है, जिसमें सिर्फ दवाइयां होती हैं, वह किसी पेशेंट के पास सबसे पहले पहुंचती है और उसकी देखरेख या फिर फर्स्ट एड करती है। आमतौर पर यह एम्बुलेंस तब ज़्यादा कारगर होती है जब सड़क पर कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड देने के लिए और बड़ी एम्बुलेंस के आने के इंतजार तक यह काम चला सकती है। दूसरी तरह की जो एम्बुलेंस होती है वो साइड कार होती है, जिसमें बाइक के साइड में एक कार टाइप में बनी होती है, जैसा कि हमने शोले मूवी में देखा था, जिसमें मरीज को बैठा करके साथ में हॉस्पिटल तक ले जाया जा सकता है। साइड कार वाली एम्बुलेंस जबरदस्त काम कर सकती थी प्रेग्नेंट वुमेन को एमरजेंसी में नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए या फिर एक्सीडेंटेड पीपल को प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ले जाने के लिए अच्छा काम कर सकती थी, कई जगहों पर करती भी है। उसके बाद कर्नाटका सरकार ने 2015 में इसी तरह की सर्विस लॉन्च की थी, जिसके अंदर उन्होंने रिस्पोंडर लॉन्च किए थे, यानी कि साइड कार नहीं था बाइक के, सिर्फ पीछे दवाइयाँ रखी हुई थी। मकसद था जहाँ पर फोर व्हीलर एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती है वहाँ तक एम्बुलेंस की सर्विस पहुँचाना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक के ऊपर सिर्फ ड्राइवर आ सकता है, उसके अंदर मरीज को कैरी करके नज़दीक के किसी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने की सुविधा नहीं है। तो एक तरह से ये उतना सक्सेसफुल आइडिया नहीं है जितना कि साइड कार एम्बुलेंस का आइडिया है। फिर 2017 में जयपुर से भी ऐसी ही खबर आई थी कि 5 एम्बुलेंस वहाँ की सरकार ने शुरू की है, हालांकि वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा दान की गई थी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। उसके बाद राजस्थान सरकार ने अलग अलग शहरों में ऐसे ही सर्विस शुरू करने की बात कही थी, वहाँ की भीड़ी गलियों के स्ट्रक्चर को देखते हुए कि वहाँ पर ये एम्बुलेंस ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है, और ये एम्बुलेंस साइड कार के साथ थी। इसी तरह से 2017 में ही हरियाणा सरकार ने भी एम्बुलेंस लॉन्च की थी। पंचकुला के एरिया में ज़्यादातर सर्विस देने के लिए उन्होंने 5 एम्बुलेंस शुरुआत की थी, जिसको आरोग्यम नाम दिया गया था। उसके बाद फरवरी 2019 में दिल्ली सरकार ने भी ऐसी ही शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की थी। इसे FRV यानी कि फर्स्ट रिस्पोंडर व्हीकल कहा गया था, यानी कि साइड कार इसमें भी मौजूद नहीं है। मोटरसाइकिल के अंदर पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड किट, ड्रेसिंग मटेरियल, एयर स्प्लेंट्स, GPS और कम्युनिकेशन डिवाइस लगी रहती थी, जिसकी वजह से जहां सड़क पर अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो मदद की जा सकती थी। स्पेशली इसलिए ही इसे लॉन्च किया गया था। और 4 महीने के अंदर करीब 2,000 कॉल्स बाइक एम्बुलेंस को आई थी, जिसके रिस्पॉन्स में 32% लोगों को सक्सेसफुली मदद पहुंचा पाई थी दिल्ली सरकार। लेकिन 68% कॉल में ये हुआ था कि ऑन स्पॉट पेशेंट्स नहीं मिलते थे, या तो उन्हें नज़दीकी पुलिस ऑफिसर के द्वारा हॉस्पिटल में भिजवा दिया जाता था, या फिर दूसरी एम्बुलेंस आ जाती थी, या फिर पेशेंट वहां से चले जाते थे। उस वक्त 16 बाइक लॉन्च की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, हालांकि सरकार ने ये कहा था कि बाद में इसे बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद जनवरी 2021 में रक्षिता के नाम से DRDO ने CRPF के साथ मिलकर बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की थी, जो कि अब तक आई सभी एम्बुलेंस से ज़्यादा बेहतर थी दिखने में और फैसिलिटी वाइज भी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन इन सब में इतनी सारी खबरों के बाद, इतने सारे उद्घाटन के बाद, हेडलाइन बनने के बाद सवाल ये है कि जब कोरोना काल में इतने बुरे तरीके से देश जूझ रहा था, मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी या फिर जो एम्बुलेंस मिल रही थी उनसे नाजायज़ किराया वसूला जा रहा था, थोड़ी सी दूरी के लिए 50,000, 60,000, 10,000 इस तरह से वसूला जा रहा था, तब कोई भी बाइक एम्बुलेंस सड़कों पर नहीं दिख रही थी। जो दिख रही थी वो प्राइवेट ही कोई व्यक्ति सेवा भाव से अगर किसी की मदद कर दे तो ऐसे बनाई गई थी, जैसे कि मध्य प्रदेश के धार में एक इंजीनियर एजाज खान ने अपनी बाइक के पीछे एम्बुलेंस का स्ट्रक्चर बनाया और लोगों की मदद करना शुरू की थी फ्री में ही। सरकार ने कहीं पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था, सरकारी जो एम्बुलेंस थी, बाइक एम्बुलेंस थी, कहीं नहीं दिखी थी, वो चाहे हरियाणा की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, दिल्ली की बात हो, मध्य प्रदेश या फिर जयपुर की बात हो। कर्नाटक में भी ऐसी कोई खबर नहीं आई थी कि सरकारी एम्बुलेंस, सरकारी बाइक एम्बुलेंस में पेशेंट को ले जाया जा रहा है। अभी तक भारत में बाइक एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत महसूस होती आई है, जैसा कि हमने दिल्ली मॉडल से देखा था, 4 महीने में 2,000 कॉल आ जाती है, करीब 700 पेशेंट्स को बचाया गया था।
लेकिन इतनी ज़रूरत के बावजूद गवर्नमेंट का इस पर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। कहीं कोई एडवर्टाइजिंग नहीं दिखती है कि सरकार इस तरह की सर्विस शुरू कर रही है या फिर सरकार के द्वारा शुरू की जा चुकी है और लोगों को इस सेवा का फ़ायदा उठाना चाहिए। सरकार का रुखापन एक कारण है बाइक एम्बुलेंस के भारत में फेल होने का या सड़कों पर ना दिखने का। दूसरा, भारत के जो रोड है वो इतने अच्छे नहीं हैं कि बाइक एम्बुलेंस उसके अंदर सर्वाइव कर सके। नॉर्मल बाइक चलाना ही लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, उसमें अगर साइड में कार लगी हो या एम्बुलेंस जैसी सर्विस साथ में लगी हो तो फिर पेशेंट की क्या हालत होगी भारतीय सड़कों पर चलते हुए, आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। बार बार जो झटके लगेंगे, जो ब्लॉकेज आएगी, उसकी वजह से ही मरीज ना मर जाए ये डर लगा रहता है। उसके अलावा जो गलियां हैं काफ़ी नैरो है, जो बाइक एम्बुलेंस सिर्फ रिस्पोंडर के तौर पर जा रही है वो वहाँ पर सक्सेसफुली काम कर सकती है, दवाई पट्टी कर सकती है, लेकिन पेशेंट को लेके आना यानी कि साइड कार वाली एम्बुलेंस वहाँ पर जाने में मुश्किल होती है क्योंकि गलियाँ बहुत पतली होती है। उसके अलावा क्लाइमेट भी एक बड़ा इशू है भारत में, कहीं पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से बाइक एम्बुलेंस में पेशेंट को कैरी करना मुमकिन नहीं है, गर्मी से परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। दूसरा, कई जगहों पर भारत में बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिस वक्त इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार इस पर ठीक से इन्वेस्टमेंट करे, इस स्कीम को बहुत अच्छे से लॉन्च करे और उसको ड्राइव करने की नीयत रखे तो बहुत अच्छे से बाइक एम्बुलेंस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की मदद की जा सकती है कम खर्चे में।